यह युद्ध 30 अक्टूबर इतवार के दिन मिनारे पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद कन्वेंशन होगा। पूरे मुल्क से नौजवान यहाँ पर शरीक होंगे और हमें अपने नौजवानों से ये उम्मीद और उनके साथ ये यकीन है कि वो हर तरह की दुश्वारियों को गुजर कर इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, हर जगह से इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान पहुँचेंगे। ये इस मुल्क को एक नया हौसला देगा। आज ज़रूरत है कि पाकिस्तान की सियासत जो एक जगह पर रुकी पड़ी है और सांप और सीढ़ी का खेल है, जमहूरियत मफाद परस्तों के शिकंजे के अंदर है और हमारी जमहूरियत जो है वो कुछ जर्नैलों के हाथों बच्चा जमूरा भी बनी हुई है, मईशत जो है वो मफाद परस्तों के हाथों दम तोड़ रही है। इन पूरी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि बा किरदार नौजवान और लोग आगे आएंगे तो ये मुल्क बेहतर बन सकेगा। दुनिया भर में सियासत जो है वो बा किरदार लोगों के ज़रिए आगे बढ़ती है, ख़ास तौर पे वो लोग जो अपनी कौम के साथ मुखलिस होते हैं, चाहे वो दीगर अकवाम के साथ उनका रवैया जो कुछ हो, लेकिन अपनी कौम को जो वो बात करते हैं उसे पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं और कभी अपनी कौम से झूठ नहीं बोलते। वो अपनी कौम के खजानों पर डाके नहीं डालते, वो अपनी कौम से बाहर अपने बैंक अकाउंट और असासे नहीं रखते। और पाकिस्तान की यही कमज़ोरियां हैं जिसने आज इस मुल्क की मईशत को दरबदर कर दिया है। जे यूथ का ये कन्वेंशन इंशाल्लाह एक नई बहार बनेगा और एक नई उम्मीद बनेगा।